हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। तो जो आज की हमारी विजिट है ये है एक जर्मन शेफर्ड है, उसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं और उसको एलर्जी हो गई है, ठीक है, और सारे स्किन पे रैसेज हो रहे हैं, तो हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। ये विजिट फरुखनगर की है, ठीक है, तो थोड़ा सा जाम है, बारिश का मौसम है तो गड्ढे ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और ऊपर से ये हैवी व्हीकल ये आगे आ जाए तो बस ये पूरे बाजार रास्ता नहीं देते, लेकिन बाइक आराम से निकल ही जाती है। देखो कहाँ चल रहा है। तो ये हम पहुँच चुके हैं ओनर के घर पे, तो आइए आपको फीमेल दिखाते सबसे पहले, तो चलते हैं फीमेल के पास। तो ये है जर्मन शेफर्ड की फीमेल, तो ये इसको परमानेंट खुला रखते हैं, लेकिन आज जब हम आए तो इसको रस्सी से बांधा हुआ है, ये मत समझना कि ऐसी छोटी सी रस्सी से बांध दिया, तो इन्होंने सिर्फ हमारे लिए ही बांधा है इसको, ठीक है, ताकि ये गुम ना हो जाए आने से पहले। उसके बाद हम इसकी कंडीशन देखते हैं, सच में इसके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, तो हम इसकी एक तो डिवॉर्मिंग करते हैं, इन्होंने 1 साल से ज़्यादा हो गया इसका टाइम लेकिन इसकी डिवॉर्मिंग नहीं की है, तो डिवॉर्मिंग कंपलसरी है, तो हम इसको 2 इंजेक्शन देते हैं, एक हम इसको एनीस्टा देते हैं। फीमेल काफ़ी शरारती है, लगवाती नहीं है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन वो हम इसको सब कट देते हैं। उसके बाद हम चल जाते हैं एक और गांव का है, ठीक है, जुड़ोला गांव पड़ता है, फरुखनगर के पास है। तो इन्होंने हमें क्या रिपोर्ट बताई, इसकी क्या हिस्ट्री थी कि ये डॉग पागल हो चुका है, रेबीज है इसको, तो ये इसको घर के बाहर ही रखते हैं, ठीक, लेकिन इसको रोटी खिला देते हैं, फीड दे देते हैं, तो ऐसे तो इन्हें शक हुआ कि बहुत सारे डॉग है, इसने उसको मारा, मतलब इनकी फाइट हो गई थी और दूसरे कुत्ते के साथ, तो उसने इसको काट लिया और अब इसको रेबीज हो गया। तो हमें जैसे ही हम रेबीज को हम बताते हैं, नॉर्मल सिम्टम क्या है कि आप उसके सामने पानी रख दीजिए, अगर जो डॉग है पानी पी पा रहा है सही तो बिल्कुल ओके है,